गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। आई होप दिस ईयर प्रूव्स टू बी वेरी ब्लेसफुल फॉर यू। लेट्स नाउ स्टार्ट अवर टुडेज एसएसटी क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट हिस्ट्री चैप्टर 13, दैट इज द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1919 टू 1947, 1919 टू 1947। In this chapter, we will see how India gained independence from the British. ठीक है, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? नेशनलिस्ट मूवमेंट 1919 से लेके 1947 तक। इसमें देखेंगे हम इंडिया ने कैसे ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस गेन की थी। And we will also see the major developments that took place in this period. क्या क्या development हुई थी इस period में, ठीक है। We will also discuss about the खिलाफत movement and non-cooperation movement. हम non-cooperation movement और खिलाफत movement के बारे में भी पढ़ेंगे। Let's now see on page 98. In air 1919, इंडिया एंटर्ड इनटू द सेकंड फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। 1919 में इंडिया सेकंड फेज में फ्रीडम स्ट्रगल के एंटर कर गया था। इन दिस ईयर रॉवर्ट एक्ट वाज पास्ड। इस ईयर में एक रॉवर्ट एक्ट ब्रिटिश ने पास किया था, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इन दिस ईयर महात्मा गांधी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी भी इस ईयर में एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुके थे। दैट्स व्हाई दिस पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इज नोन एज गांधियन ईयर। इसी की वजह से इस फ्रीडम मूवमेंट के पीरियड को क्या कहा जाता था? गांधियन ईरा, गांधियन पीरियड या गांधियन ईरा। लेट्स नाउ सी इन द अदर टॉपिक, महात्मा गांधी, दैट इज गिवन ऑन पेज 98। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869, ठीक है, 1869 में। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर 20 ईयर्स। उन्होंने लॉ, मतलब क्या कहते हैं, लॉ की स्टडी की थी कहाँ पे? इंग्लैंड में। फिर वो 20 साल के लिए कहां चले गए थे? साउथ अफ्रीका। वेयर ही इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म, जहां पे साउथ अफ्रीका में जाके वहां पे भी वो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गए थे। रेसिज्म, छुआछात की जहां प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ही रिटर्न्ड इन इंडिया इन 1915 एंड जॉइंड द फ्रीडम स्ट्रगल। 1915 में वहाँ इंडिया में वो वापस आ गए थे। उन्होंने फिर फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली इन्वॉल्व अपना, मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर। ही वॉन द हार्ट्स ऑफ द मासेस विद दिस सॉफ्ट मेथड एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने कई लोगों का दिल जीत लिया था, क्योंकि उनके जो मेथड्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के सॉफ्ट थे, मतलब पीसफुल शांति वाले मेथड्स थे, कोई एग्रेसिव मेथड्स नहीं यूज करते थे। In the next 30 years, he gently and firmly guided the freedom struggle and finally led to India's freedom. उन्होंने next 30 years, ठीक है, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को firmly और gently guide किया, मतलब guide करते रहते थे, हर चीज में participate भी करते थे और उन्हें लोगों को, अपने associates को भी guide करते थे, और finally इंडिया की freedom लेके आने में उनका बहुत बड़ा role था। See the image on page left, see the image on left side on page 98. This image shows Gandhian Satyagrahi in South Africa. Gandhi ji ki Satyagraha ki jo struggle thi, waha kahan pe? South Africa mein hi show kar liya. Next, see the in focus Satyagraha on page 98. Yellow color ke box mein in focus mein Satyagraha diya hua hai, usme dekho. सत्याग्रह वॉज ए टर्म यूज बाय द गांधी जी टू डिस्क्राइब द ट्रूथ बाय यूजिंग द नोवेलिस्टिक मेथड्स।
ठीक है, यूजिंग द नॉन वायलेंट मेथड. सत्याग्रह क्या डिस्क्राइब करते थे गांधी जी? ट्रूथ, सच को. नॉन वायलेंट मेथड मतलब एग्रेसिव नहीं, शांति वाले मेथड से जो ट्रूथ को साबित किया जाए, उस टर्म को गांधी जी क्या कहते थे? सत्याग्रह. ही डिवेल्प दिस कंसेप्ट इन साउथ अफ्रीका वाइल फाइट अगेंस्ट दी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. उन्होंने ये कंसेप्ट कहाँ पे बनाया था? साउथ अफ्रीका, जब वो छुआछूत के खिलाफ साउथ अफ्रीका में लड़ रहे थे. सत्याग्रह बिकेम द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. सत्याग्रह एक गाइडिंग मतलब बहुत बड़ा सिद्धांत बन गया था इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी, ठीक है, टू गेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. ब्रिटिश से फ्रीडम गेन करने में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन गया था. नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन फाइनल फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया. हम एक फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया की जो कुछ इवेंट्स देखेंगे जो इंडिया को फ्रीडम दिलाने में बहुत बड़े क्या कहते हैं इवेंट्स क्या कहते हैं हुए थे जिससे इंडिया को फ्रीडम मिली थी. फर्स्ट वी विल सी 1915 to 1918 द लॉन्च ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी. 1915 से 1918 में जो सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने इंडिया में लॉन्च की थी उसको डिस्कस करते हैं. टू अंडरस्टैंड द इश्यूज ऑफ द पीपल गांधी जी ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री. पीपल के इश्यूज जो इश्यूज लोग फेस कर रहे थे इंडिया में, गांधी जी ने मतलब इंडिया के सारे मतलब काफी दूर तक ट्रेवल किया था. एंड टॉक विद देम, उनसे बातचीत की थी. एंड देन लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट विद हिज कैंपेन. फिर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया था विद हिज कैंपेन मतलब उनकी प्रचार करते हुए एट चिंपेरन इन बिहार, अहमदाबाद इन गुजरात, खेड़ा इन गुजरात. ठीक है, तीन जगह में, चिंपेरन बिहार में, अहमदाबाद गुजरात में और खेड़ा गुजरात में. इन 1917 में एट चिंपेरन ही फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर इंडिगो कल्टिवेटर्स. 1917 में 1917 में उन्होंने गांधी जी ने फाइट की थी जो इंडिगो जो क्या कहते हैं ब्लू डाई के कल्टिवेटर्स थे जो फार्मर्स थे उनके राइट्स के लिए. इन 1918 ही टुक अप द कॉज ऑफ द मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद. 1918 में जो क्या कहते हैं मिल के जो मिल बड़ी बड़ी मिल्स से जो उनके पुअर वर्कर्स जो काम करते थे उनके राइट्स के लिए अहमदाबाद में भी गांधी जी काफी लड़े. इन खेड़ा इन गुजरात ही फाइट फॉर द पीजेंट्स हु कुड नॉट पे टैक्स ड्यू टू फेल्ड हार्वेस्ट. जो क्या कहते हैं पुअर मतलब फार्मर्स थे जो टैक्स नहीं पे कर सकते थे उनके लिए भी गांधी जी काफी लड़े थे क्योंकि फेल्ड हार्वेस्ट फसल की अच्छी तरह कटाई नहीं हो पा रही थी कोई मतलब ड्रॉट्स या फ्लड्स के कारण. उनके लिए भी काफी गांधी जी ने फाइटिंग स्टार्ट किया था. ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इवेंट है फेब्रवरी 1919 द रोवल्ट एक्ट. ये भी पेज नंबर 19, एक रोवल्ट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था उसको डिस्कस करते हैं. टू स्टॉप डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन अमंग द इंडियंस द ब्रिटिश पास द रोवल्ट एक्ट ऑन 6 February 1919. जो इंडियन लोगों में डिफरेंसेस काफ़ी थे, हर लोगों की अपनी सोच थी अपने ओपिनियंस थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका फ़ायदा उठाया और एक रोवल्ट एक्ट पास किया था 6 February को 1919 में. बाय दिस एक्ट द गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड सर्च एनी पर्सन विदाउट वारंट. इस एक्ट के था कोई भी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती फॉर्मल, अगर उन्हें कोर्ट से ऑर्डर मिला या नहीं मिला कभी भी अरेस्ट कर सकती है. और किसी प्लेस की सर्चिंग मतलब प्लेस को मतलब छानबीन कर सकती है अगर उन्हें गवर्नमेंट से ऑर्डर है या नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, खुद वो अपनी मर्जी से करती. गांधी जी फर्मली अपोज दिस एक्ट. गांधी जी ने बहुत स्ट्रांगली इस एक्ट को अपोज किया मतलब उनके खिलाफ गए. ही कॉल्ड अपॉन थ्रू आउट कंट्री पैसिव रेजिस्टेंस. ठीक है,
उन्होंने इस कंट्री कहा कि हम इस एक्ट के अगेंस्ट होंगे, इस एक्ट को नहीं मानेंगे, ठीक है। 6 अप्रैल ऑनवर्ड से उन्होंने कंट्रीज थ्रू आउट का भी इसकी पैसिव रेजिस्टेंस, इसको एक्ट को अगेंस्ट जाने के, मतलब इस एक्ट को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। देर वर हड़ताल, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्ट एवरीवेयर, जहाँ हड़ताल हुई, मतलब प्रोटेस्ट हुआ, मतलब ठीक है, हड़ताल मीन्स क्लोजिंग, हर जगह प्लेसेस की, ऑफिसेस की हड़ताल, जो भी बाजार वगैरह मार्केट्स का क्लोज होना स्टार्ट हो गया था, हड़ताल लोगों ने की थी, प्रोटेस्ट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस रॉवेल्ट एक्ट को इनकार करने के लिए। द गवर्नमेंट स्टॉप द प्रोटेस्ट मूवमेंट, गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को, मतलब लोगों का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैसे स्टॉप किया था, बाय फायरिंग, मतलब क्या कहते हैं, फायर करना, मतलब गोलियां वगैरह चलाना, लाठी चार्ज, मतलब हिटिंग द पर्सन विद स्टिक्स, ठीक है, लोगों को क्या कहते हैं रोकने के लिए उन्होंने फायरिंग, गोलियां वोलियां चलाई हैं, और क्या कहते हैं लाठी चार्ज किया, मतलब क्या लोगों को दंडों वगैरह से मारा था, इस चीज को क्या कहा जाता था, लाठी चार्ज। नेक्स्ट इवेंट क्या है, अप्रैल 1919 द जलियांवाला बाग मसाकर, ये भी एक क्या कहते हैं 98 पेज पे दिया हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। ऑन 13th अप्रैल 1919 पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉवेल्ट एक्ट। 13th अप्रैल 1919 को पीपल, जो इंडियन पीपल थे, गैदर हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में, ठीक है, उनको प्रोटेस्ट करने, रॉवेल्ट एक्ट के मतलब मानने से इनकार करने के लिए। ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूप्स अंडर द कमांडरशिप ऑफ जनरल डायर फायर्ड ऑन अननेम्ड पीपल, अननेम्ड पीपल के ऊपर उन्होंने फायर कर दी थी ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूप्स में, किसकी कमांडरशिप में, जनरल डायर की, एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, उन्होंने हजारों में पीपल को मार दिया था। फॉलोइंग मैसेकर मैरिटल लॉ वॉज पास्ड इन पंजाब, उसके मैसेकर, इस इंसिडेंट के बाद एक मैसेकर पास किया गया था, सॉरी मैरिटल लॉ, मैरिटल लॉ मतलब वेडिंग लॉ पास किया गया था, ठीक है, कहाँ पे, पंजाब में। दिस इंसिडेंट प्रूव्ड ए वे फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1922। एक इन्होंने इससे क्या कहते हैं, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, किस ईयर में, 1922 में भी उन्होंने कह दिया था भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे किसी भी, मतलब किसी भी कीमत पे, इससे क्या कहते हैं रास्ता बन चुका था। सी ऑन पेज 98 बिलो देर इज ए गिवन द इमेज विच शोज द मेमोरियल ऑफ द जलियांवाला बाग, जहाँ पे जलियांवाला बाग की फोटो शो की गई है, जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट कम्स द 1920 द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज गिवन इन केस स्टडी ऑन पेज 99 इन ग्रीन कलर बॉक्स। द खिलाफत मूवमेंट वॉज ए प्रोटेस्ट मूवमेंट लेड बाय इंडियन मुस्लिम्स to put pressure on the British to preserve the authority of the Ottoman Caliphate. The Sultan of the Turkey, that is the religious head of Sunni Muslims around the world. एक क्या कहते हैं खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, प्रोटेस्ट मूवमेंट थी, मतलब उनके अगेंस्ट मूवमेंट थी ब्रिटिशर्स के, जो किसने लेड की थी, इंडियन मुस्लिम्स, मुसलमानों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए, क्या उनकी अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किनकी अथॉरिटी को, ठीक है, कैलिफेट, कैलिफेट कौन थे, सुल्तान थे तुर्की के, ठीक है, सुल्तान मींस रिलीजियस हेड से सुमी मुस्लिम्स, सुमी मुस्लिम में उनकी टाइप थी मुसलमानों की, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, उनकी अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन क्या कहते हैं क्या स्टार्ट की थी, खिलाफत मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अलाइड फोर्सेस कंप्राइजिंग द ब्रिटिश एंड फ्रांस डिफीटेड द तुर्की।
जो अलाइड फोर्सेस थी जिसमें कौन से ब्रिटिशर्स और फ्रांस थे, उन्होंने टर्की को हरा दिया था। दिस डिक्रीज द पावर ऑफ द टर्किश सुल्तान और खिलाफत। उसकी वजह से जो टर्की सुल्तान से और खिलाफत थे उनकी पावर काफ़ी डिक्रीज हो चुके थे। द इंडियन मुस्लिम्स वर एंगर्ड एट द इनजस्टिस डन टू द टर्की बाय द ब्रिटिश। जो इंडियन मुस्लिम से उन्होंने भी काफ़ी गुस्से में आए जब उन्होंने देखा भी इंडियन जो टर्की क्या कहते हैं लोगों को इनजस्टिस मतलब जस्टिस न्याय नहीं दिया जा रहा ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनसे उन्होंने भी काफ़ी गुस्सा आया। टू इन प्रोटेस्ट दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। उन्होंने इसके अगेंस्ट फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। किसकी लीडरशिप में? मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। गांधी जी सो ए खिलाफत मूवमेंट फॉर यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन ए फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांधी जी को भी लगा जो ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की है ये बहुत बड़ी अच्छी मूवमेंट स्टार्ट बनेगी हिंदूज और मुस्लिम्स को इकट्ठा करने में, ठीक है, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कांग्रेस लीडर्स जॉइंट हैंड विद मुस्लिम लीडर्स इन 1920s। उन्होंने मुस्लिम लीडर्स और कांग्रेस लीडर ने भी अपने हाथ मिलाए, ठीक है, इन 1920s एंड अपील्ड पीपल को अपील किया, क्या? टू अपील द पीपल डैट 17 अक्टूबर 1919 टू बी एस्टेब्लिश एज द खिलाफत डे। उन्होंने कहा जो 17 अक्टूबर 1919 है उसे क्या डे मनाया जाए, खिलाफत डे। इन दिसंबर 1920 द कांग्रेस लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद एम ऑफ अटेनिंग स्वराज और सेल्फ-रूल। इन दिसंबर क्या कहते हैं 1920 में कांग्रेस लीडर्स ने एक मूवमेंट लॉन्च की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या एम था उस मूवमेंट का? टू टेन सेल्फ रूल या स्वराज मतलब अपना खुद का रूल गेन करना, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे बड़ा एम था। दे रिफ्यूज टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह कॉपरेट नहीं करेंगे। पीपल अक्रॉस द कंट्री गिव अप गवर्नमेंट जॉब्स एंड टाइटल्स। जो पीपल थे सारे कंट्री में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स और टाइटल्स को छोड़ दिया था। एंड विड्रॉ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस से बाहर निकाल दिया था। एंड बॉयकट फॉरन गुड्स। फॉरन गुड्स जो भारी मतलब फॉरन के गुड्स से उन्हें बॉयकॉट मतलब उन्हें रिफ्यूज कर दिया था, नहीं नहीं हम नहीं यूज करेंगे। चरखा दैट इज द स्पिनिंग व्हील एंड खादी, ठीक है, हैंडमेड क्लोथ। चरखा क्या होता है? स्पिनिंग जिससे हम कपड़ा बुनते थे, और खादी जो हाथ से बना होता था क्लोथ, ठीक है, बिकेम दिस सिंबल ऑफ द फ्रीडम। ये उनके एक इंपॉर्टेंट सिंबल्स बन गए थे फ्रीडम मूवमेंट के। द गवर्नमेंट फोर्स टू पुट डाउन दिस मूवमेंट। गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को लोगों को फोर्स किया भी इस मूवमेंट को खत्म किया जाए। बाय 1921 मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड एक्सेप्ट गांधी जी। गांधी जी के बिना काफी कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था 1921 तक। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज द फर्स्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू बिकम इन टू ए मास मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो एक ऐसी नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो मास मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी थी उस पीरियड के टाइम की, जिसे आज तक भी लोग याद करते। नेक्स्ट कम्स दी 15 फेब 1922 द चोरी चोरा इंसिडेंट डेट इज ऑन पेज 1999, ठीक है, ये चोरा चोरा इंसिडेंट हुआ था 15 फेब को
1922 में, ठीक है, ये 99 पेज पे आपको दिया हुआ है। लेट्स सी, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देर इज ए प्रोटेस्ट रैली लेड बाय द कांग्रेस वर्कर्स इन चौरी चौरा इन यूपी टर्न्ड वायलेंट व्हेन द पुलिस फायर्ड ऑन देम। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे एक रैली, प्रोटेस्ट रैली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लेड की गई थी कांग्रेस लीडर्स के लिए, कहाँ पे, चोरी चोरा, ये कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। ये वायलेंट बन गई थी जब पुलिस ऑफिसर्स जो ब्रिटिशर्स के थे उन्होंने उन पे फायर कर दी थी, गोलियां चला दी थी। द पीजेंट्स रिटेलिएटेड एंड सेवरल पुलिसमैन वर किल्ड। पीजेंट्स मतलब जो पुअर फार्मर्स से रिटेलिएटेड, उन्होंने बगावत की, गुस्से में आए, जिसकी वजह से सेवरल जो पुलिस ब्रिटिशर्स के पुलिसमैन थे उनकी डेथ हो गई थी, उन्हें किल कर दिया था, उन्हें मार दिया था। विद दिस गांधी जी वर शॉक्ड एंड कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इससे गांधी जी को काफी धक्का लगा और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू 6 ईयर्स ऑफ द जेल, ठीक है। इसके वजह से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था और उन्हें 6 सालों के लिए जेल कर दी थी। नेक्स्ट इवेंट कम्स दी 1923 द स्वराज पार्टी, दैट इज ऑन पेज 99। स्वराज पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गांधी जी डिसीजन टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अपोज बाय सम कांग्रेस लीडर्स लाइक सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड एन सी केलकर। जो गांधी जी का डिसीजन था वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दो, उसका कई कांग्रेस लीडर्स ने विद्रोह किया था। कौन से थे वो? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और एन सी केलकर। सो दे फॉर्म्ड दिस स्वराज पार्टी इन दिसंबर 1922। इसकी वजह से उन्होंने एक स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश की थी इंडिया में, कब, दिसंबर 1922 में। सी द इमेज ऑन राइट साइड ऑन पेज 99, देर इज शोन सी आर दास ऑन लेफ्ट साइड एंड मोतीलाल नेहरू ऑन राइट साइड। उनकी पिक्स शो की गई हैं दो नेशनलिस्ट लीडर की, सी आर दास ऑन लेफ्ट साइड में और मोतीलाल नेहरू की राइट साइड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज 1927 द साइमन कमीशन। एक बहुत बड़ा साइमन कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था फ्रीडम स्ट्रगल में। एक किस पेज पे? 99 पेज पे। लेट्स सी व्हाट इज इन द साइमन कमीशन। इन नवंबर 1927 7 मेंबर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन टू इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929। जो हमने लास्ट चैप्टर में क्या कहते हैं 1990 फ्रीडम नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या कहते हैं 1885 टू 1919 पढ़ी थी, उसमें एक हमने लास्ट में पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा था 1919। उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को जानने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 7 मेंबर कमीशन एस्टेब्लिश किया था, किसकी लीडरशिप में, सर जॉन साइमन के, ठीक है। बट देयर वाज नॉट ए सिंगल इंडियन मेंबर इन द कमीशन, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था इस कमीशन में। द नेशनलिस्ट लीडर इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फर्मली अपोज दिस कमीशन। जो नेशनलिस्ट लीडर थे चाहे कांग्रेस के चाहे मुस्लिम लीग के, इससे क्या कहते हैं उन्हें काफी गुस्सा हुआ और उन्होंने काफी इस कमीशन को अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। देयर वर प्रोटेस्ट मार्चेस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री। वहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च मतलब रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कई उन्होंने अपने मार्चेस रैलीज की सारी कंट्री, थ्रू आउट द कंट्रीज। एट ए रैली इन लाहौर, लाला लाजपत राय ए वेल नोन नेशनलिस्ट लीडर वॉज बैडली इंजर्ड इन लाठी चार्ज एंड डाइड ऑन 17 नवंबर 1928। जब एक प्रोटेस्ट रैली चल रही थी लाहौर में, ठीक है, जो आजकल लाहौर एक पाकिस्तान में क्या कहते हैं वेल नोन सिटी है, वहाँ पे क्या कहते हैं लाला लाजपत राय एक नेशनल लीडर थे पंजाब के,
उन्हें क्या कहते हैं बैडली इंजर्ड, कैसे उनको बैडली मतलब वो काफ़ी उन्हें एक चोटें लगी थी लाठीचार्ज में, जब पुलिस में पुलिस जो ब्रिटिश पुलिस लोग थे उन्होंने काफ़ी उन्हें स्टिक से मारा था, ठीक है, उन्हें काफ़ी चोटें लगी और फाइनली उनकी डेथ हो गई थी 17 नवंबर 1928। नेक्स्ट कम्स इन 1929 द पुरन स्वराज दैट इज गिवन ऑन पेज 100। इन 1928 ए कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर मोतीलाल नेहरू टू ड्रॉ अप ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया डैट विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, ठीक है। 1928 में एक कमेटी फॉर्म हुई थी किसकी लीडरशिप में, मोतीलाल नेहरू की। क्या था मेन एजेंडा, क्या था उनका, भी कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो इंडिया के सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। द कमेटी डिमांडेड द इमीडिएट डोमिनेंस स्टेटस दैट इज द सेल्फ गवर्नमेंट ब्रिटिश द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर फॉर इंडिया एंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंडियन सिटीजन्स। दीज डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका मेन क्या था भी डोमिनेंस स्टेटस, इंडिया को मतलब भी सेल्फ डोमिनेंस हाई पोजिशन मिले, डोमिनेंस स्टेटस मिले भी, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट मिले विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, भी इंडिया अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाए ब्रिटिश एम्पायर में और इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स अलॉट किए जाए। लेकिन ये डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने ये डिमांड्स इंडियंस की फुलफिल नहीं की। इन दिसंबर 1929 द एट द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस प्रिजाइडेड ओवर बाय द जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन ऑफ द पुरन स्वराज और द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। फिर एक लाहौर का सेशन हुआ कांग्रेस का इन दिसंबर 29, ठीक है, जिससे कौन प्रिसाइड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक मतलब मेन रेजोल्यूशन पास किया था, उसका क्या उसको क्या कहा जाता था, पुरन स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ऑन 31 दिसंबर 1929 द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। 31 दिसंबर 1929 को ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया गया जो इंडिया ने फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया था, उसमें रेड लाया गया था, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 सी दी इमेज ऑन पेज 100 एट द टॉप देर इज शोन द पिक्स ऑफ द टू फ्रीडम फाइटर्स दैट इज ऑन लेफ्ट साइड देर इज शोन द जवाहरलाल नेहरू एंड ऑन द राइट साइड शोन द सुभाष चंद्र बोस पिक। दे बिकम द एक्टिव फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द इन द 1920s। ये दो पिक शो की गई हैं, लेफ्ट साइड पे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और राइट साइड पे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये काफ़ी एक्टिव मेंबर्स थे फ्रीडम फाइटर्स और नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे 1920s। नेक्स्ट कम्स इन फोकस ऑन पेज 100 इन येलो कलर बॉक्स दैट इज द मार्टियर्स टू द कॉज ऑफ द फ्री इंडियंस, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मार्टियर्स टू द कॉज ऑफ फ्री इंडिया, ये येलो कलर के बॉक्स में इन फोकस में शो किया गया। मार्टियर्स कौन होते हैं, अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस और पोलिटिकल बिलीफ एंड बट आर एडमायर्ड बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। जिस पर्सन को उनके रिलीजियस या पोलिटिकल बिलीफ की वजह से मार दिया जाता है लेकिन बाद में उसी को एडमायर मतलब उसकी उसे सहराया जाता है उसी के कारण से, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, मार्टियर्स। ड्यू टू द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन द लेट 1920s सम फ्रीडम फाइटर्स बिकेम इम्पेशेंट एंड टुक रेवोल्यूशनरी मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जब देखा भी फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल लेट 1920s में स्लो हो चुकी है तो कुछ फ्रीडम फाइटर्स क्या कहते हैं इम्पेशेंट, मतलब उन्होंने अपनी पेशेंस को लूज करना स्टार्ट किया और उन्होंने रेवोल्यूशनरी मीन्स अग्रेसिव वेज स्टार्ट कर दिए थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, ठीक है। और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी
प्रोटेस्ट जारी रखा। सी दी इमेज इन द मिडल ऑन द पेज 100, देर इज शोन द थ्री फ्रीडम फाइटर्स पिक्स। ऑन द लेफ्ट देर इज शोन भगत सिंह पिक, इन द मिडल देर इज शोन राजगुरु पिक, एंड इन द राइट शोन द सुख फ्रीडम फाइटर सुखदेव। ठीक है, तीन फोटोज दी गई हैं, लेफ्ट साइड पे भगत सिंह की स्नैप है, मिडल में राजगुरु और राइट साइड में सुखदेव। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज अ पॉपुलर फ्रीडम फाइटर, ई अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट्स असफ उल्ला खान एंड रोशन सिंह अटेम्प्टेड टू लूट द गवर्नमेंट ट्रेजरी फ्रॉम द ट्रेन एट कैकोरी इन यूपी। राम प्रसाद बिस्मिल जो पॉपुलर फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपने एसोसिएट्स, उनके जो एसोसिएट्स मतलब अच्छे मतलब फ्रेंड्स थे, कौन से, असफुल्ला खान और रोशन सिंह, उन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी खजाने को लूटने की कोशिश की थी ट्रेन में, कहाँ पे, कैकोरी यूपी में। बट द राम प्रसाद बिस्मिल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड किल्ड इन दिसंबर 1920। उनको फांसी की सजा दी गई, ठीक है, और उनकी डेथ कब हो गई थी, दिसंबर 1927। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह भी बहुत लीडिंग फ्रीडम फाइटर थे, किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल में। अलोंग विद हिज एसोसिएट्स सच एज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह रीबिल्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अपने एसोसिएट्स के साथ, कौन से, चंद्रशेखर, उन्होंने एक नई एसोसिएशन बनाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA इन 1924 में, टू फाइट फॉर द इंडिया फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम्स के फाइट करने के लिए उन्होंने इस एसोसिएशन की फॉर्मेशन की थी। दिस एसोसिएशन अडॉप्टेड अग्रेसिव मेथड्स टू अचीव इंडियाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। उन्होंने वायलेंट मेथड, इस एसोसिएशन का मेन पर्पस क्या था, अग्रेसिव मेथड्स अडॉप्ट करने हैं इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, कहाँ से, ब्रिटिशर्स से। भगत सिंह विद हिज एसोसिएट्स राजगुरु एंड सुखदेव किल्ड सैंडर्स, ए ब्रिटिश ऑफिसर हु हैड ऑर्डर्ड लाठीचार्ज इन विच लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड। उन्होंने क्या किया, भगत सिंह उनके एसोसिएट्स थे जैसे राजगुरु सुखदेव, उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर सैंडर्स को मार दिया, जिसने क्या किया था, लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, ठीक है, और क्या कहते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय जो फ्रीडम फाइटर थे, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था साइमन कमीशन में, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, उस ऑफिसर ने जिसने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज, उसको किल कर दिया था। आफ्टर दैट चंद्रशेखर आजाद किल्ड ए पुलिस ऑफिसर हु वॉज फॉलोइंग भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी क्या कहते हैं, एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मार दिया, जो क्या कर रहे थे, क्या कहते हैं, जो भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स को फॉलो कर रहे थे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वर हैंग्ड ऑन 23rd March 1931। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई, 23rd March 1931, उस दिन उनको फांसी दी गई। आफ्टर दैट भगत सिंह वॉज पॉपुलर नोन एज शहीद भगत सिंह। उसके बाद भगत सिंह को पॉपुलरली किस नाम से जाना गया, शहीद भगत सिंह, ए मार्टियर टू द कॉज ऑफ फ्री इंडिया। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मार्टियर टू द कॉज ऑफ फ्री, क्योंकि वो अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द हाफ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड वॉच द वीडियो ऑल्सो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी और कॉल। Thanks and have a nice day.